सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी ऋषिकेश के माध्यम से आज जरूरतमंद छात्र छात्राओं को 1,000 रुपए के चेक वितरित किए गए। सोसाइटी के अध्यक्ष DVPS रावत जी के द्वारा बताया गया कि वे हर महीने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जरूरतमंद छात्र छात्राओं को 1,000 रुपए के चेक वितरित करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एवं नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री प्रतीक कालिया के माध्यम से उन्होंने ये चेक वितरित किए। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी सुनते हैं। आज सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी, जब हम सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी की बात करते हैं तो जैसा कि गुरु जी ने बताया कि पिछले 3 साल से लगातार, पिछले 3 वर्षों से हम बच्चों की एजुकेशन को लेकर कार्य कर रहे हैं। उसके सुंदर छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में उपस्थित सोसाइटी के संस्थापक आदरणीय DVS रावत जी, हमारे आदरणीय बच्चों राजेंद्र पांडे जी प्रधानाचार्य, और आप भी समाज में लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं खुद बच्चे हैं यहाँ पे, हम लोग भी हैं। मैं आपके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, पांडे जी के बारे में, कि जब से आपका रिटायरमेंट हुआ है मुझे लगता है आप में एक विशेष ऊर्जा आ गई है। वो विशेष ऊर्जा इस प्रकार की, स्कूल के बच्चों के लिए एक ग्राउंड है जिसका अलॉटमेंट होना है, उसके लिए जिस प्रकार से भाई साहब काम कर रहे हैं और लगातार प्रशासन शासन में जाना बात करना, मैंने रिटायरमेंट के बाद किसी व्यक्ति को नहीं देखा था इसे। उसके बाद मेरी मुलाकात, क्योंकि रावत गुरु जी को मैं फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखता रहता था, कार्यक्रमों में मिलता रहता था, परंतु कुछ दिन पहले जब मेरी पर्सनल मुलाकात हुई तब जब गुरु जी ने बताया कि हम इस प्रकार से सोसाइटी में काम कर रहे हैं और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो मैंने भी अनुरोध किया गुरु जी किसी तरीके से अगर आप मेरे को जोड़ पाओ इसमें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ काम किया जाए, एजुकेशन की सेक्टर में कुछ काम किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर ये दो चीजें समाज में ठीक से चलती रहे, सुचारू रूप से इनकी व्यवस्था चलती रहे, तो हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही इस कार्यक्रम में उपस्थित ज्ञानी जी, देवी जी और हम सबके प्रिय राजू भाई, सब लोग जानते होंगे, जैसे कि गुरु जी ने बोला कि ब्लड डोनेशन, तो एक मैं कहूँगा कि इनके इनके जो कैरेक्टर है पूरा, उसमें 10% है जिसमें इतना बड़ा काम इन्होंने कर दिया है, बाकी 90% जो इनकी खूबियां हैं उसके बारे में भी अभी हम सबको जानना बाकी है। हमारी एक NGO बना है जिसका नाम है सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें हमारे प्रिय शिष्य जुड़े हुए हैं और अपने साथी लोग जुड़े हुए हैं, और उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जरूरतमंद बच्चों को अगर पढ़ाई के क्षेत्र में मदद कर सकते हैं तो जितना संभव मदद करेंगे। ये हमारा लगातार कार्यक्रम चलते हैं हर महीने जो है, और उद्देश्य यही पवित्र है कि ये बच्चे पढ़ के जीवन में हमारे देश के लिए कुछ करें, और हमारे कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकारी स्कूल में फीस जो है लगभग 1,000 रुपये सालन ज्यादा नहीं है, और कुछ जो है जहाँ फीस कम है वहाँ एक कॉपियाँ और किताब में उनकी मदद मिल सकती है। ये उद्देश्य मेधावी छात्रों को या तो जो गरीब बच्चे, जरूरतमंद बच्चों को, मेधावी छात्रों को भी हम हर महीने प्रोग्राम हमारे अलग अलग होते हैं, एक महीने मेधावी छात्रों को, एक महीने जरूरतमंद बच्चों को, एक महीने खेल के क्षेत्र वाले बच्चों को, लेकिन है सब सरकारी स्कूल के बच्चे। जिस प्रकार से सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी शिक्षा के रूप में काम कर रही है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, जो कि जरूरतमंद बच्चे हैं, उन लोगों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देती है हर साल, और निरंतर मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ कार्यक्रम मैंने भी देखे तो उससे पता लग रहा है कि लगातार इन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनको सपोर्ट कर रही है सोसाइटी। तो बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है, और अगर इस तरीके से समाज में और भी लोग निकल के आए और बच्चों की मदद करें तो एक अच्छे समाज की रचना में सहयोग होगा। आने वाले समय में आप किस तरीके से सोसाइटी से जुड़ के या फिर बच्चों के लिए जो छात्र हैं सरकारी स्कूल के उनके तरफ से अपना सहयोग देना चाहेंगे? हम संस्था के साथ एक रूप से जुड़ गए हैं अब, और संस्था से और संस्था के सदस्यों द्वारा जिस भी प्रकार से हमारे से जो भी बन पड़ेगा उस तरीके से हम सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है,
कहीं पे साथ खड़े होके किया जा सकता है, कहीं पीछे खड़े होके किया जा सकता है, कहीं बच्चों की मदद करके किया जा सकता है। तो जिस भी रूप में संस्था हमारी भूमिका तय करेगी उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। कार्यक्रम 3 वर्ष से लगातार चल रहा है और आदरणीय राव जी की प्रेरणा से ही हम उनके सहयोगी के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा कार्य है कि आज जो जरूरतमंद छात्र छात्राएं हैं उनको उनके शुल्क के रूप में जो है 1,000 रुपया का चेक उनको दिया जाता है, तो वो बच्चे आगे जा कर के देश और समाज के लिए अपना समर्पण करेंगे, ऐसी अपेक्षा छात्रों से भी की जाती है। हम तो पिछले 20 साल से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गुरुजी के हम शिष्य रहे हैं। पिछले 3 सालों से हम सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से गुरुजी के आशीर्वाद से सेवा में हैं। हमें तो गुरुजी का जो आदेश होता है हम उस मैदान में काम करने के लिए उतर जाते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से जो भी समाज सेवा हो या कोई सा भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में गुरुजी के आशीर्वाद से हम अपने काम को जारी रखेंगे।